बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का इस वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे सुंदर सुंदर दुपट्टा के साथ। तो गाइस मैं हुई हूँ पूरा रेडी ट्रेडिशनल लुक में और आज हम जा रहे हैं आदि योगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के नहीं दोपहर के 3 और हम निकल रहे हैं यहाँ से आदि योगी के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर है। तो हम जा रहे हैं आज बाइक से आदि योगी और हमारे साथ हमारे 2 फ्रेंड और भी हैं, उन लोगों के साथ भी हम जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, अभी हम यहाँ से निकलते क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है, हमें वहाँ पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगी। तो आपको मैं आज आदि योगी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में और जब भी मैं हम वहाँ पर मस्ती करेंगे वो भी साथ साथ आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाइक पे बैठ के और सारा लोकेशन वगैरह आपको दिखाते हुए चलूंगी। मैं अभी पहली बार जा रही हूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए बिना देरी की अब चलते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने घर से और यहाँ से हम, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लगभग 75 किलोमीटर है आदि योगी। तो और हमारे साथ ये हमारे दोस्त भी हैं जो हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो अभी हमें 75 किलोमीटर का दूरी तय करना है। तो रास्ते में हमने सोचा कि चलो फुल टंकी पेट्रोल करा लेते हैं क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि वो थोड़ा विलेज एरिया में है, हमारे आदि योगी का जो स्टैचू विलेज एरिया में है। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि रात का समय है, लगभग 3 बजे हम घर से निकले थे और हम रात में लौटने वाले हैं वहाँ से। तो इस वजह से तो देखिए गाइस कितना अच्छा मौसम किया हुआ है। हेलमेट पहन पहनकर मेरे सर में दर्द हो गई थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हेलमेट उतार लिया है ताकि थोड़ी रिलैक्स हो जाऊँ, उसके बाद मैं फिर से दोबारा पहन लूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं सामने का नज़ारा वो कितना सुंदर लग रहा है, कैमरे में तो थोड़ा कम ही लग रहा है, सामने से और भी अच्छा लग रहा था। तो बाइक से मैं पहली बार इतनी लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ तो मुझे तो और भी मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी मुझे बैठने में परेशानी भी हो रही क्योंकि इतनी दूर मैं पहली बार जा रही हूँ, बट कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे ये आदि योगी का बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड से अंदर हम एंट्री ले चुके हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद ये है आदि योगी का मेन एंट्रेंस गेट जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से ये जो सामने का जो आप व्यू देख रहे हैं वो कितना सुंदर दिख रहा है ऑन कैमरा, तो सोचिए कि ऑफ कैमरा कितना ही सुंदर लग रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर अंदर है जो हमारे आदि योगी का स्टैचू है और रास्ता जो है ये 2-3 किलोमीटर इज लाइक हेवन, मीन्स कितना खूबसूरत है मैं क्या ही बताऊं। आगे चलिए और आप लोग भी देखिए कि कितना सुंदर है। और यहाँ पे ज्यादातर मुझे जो देखने को मिला वो था ग्रेनाइट और ग्रेनाइट की वजह से वो जो व्हाइट व्हाइट कलर का पहाड़ जैसा दिख रहा था उसकी वजह से ये इस एरिया का सुंदरता और भी बढ़ गया था। और उसके नीचे ये आप देख सकते हैं कि लेक जैसा, मैं क्या ही बताऊं, बहुत लोग यहाँ पे उतर उतर के फोटो शूट करा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, बट हम नहीं बना रहे क्योंकि हमें जल्दी वहां पहुंचना है क्योंकि अभी बज चुके हैं 5, लगभग 5, बीच में बारिश होने लगी थी जिसके कारण हम थोड़ी देर रुके थे और 5 बज चुके हैं। और देखिए गाइस यहां से सामने आपको आदि योगी का स्टैचू दिख रहा होगा और मुझे भी दिख रहा है, कैमरे में उतना सुंदर नहीं दिख रहा, मैं फिर से रिपीट करूँ, जितना सुंदर व्यू ये सामने से लग रहा था ऐसा लग रहा था या कहीं दूर आ गए हैं, नेचर इतना सुंदर होता है ये देख के यहाँ पे पता चल रहा है, नहीं तो शहरों में तो हालत खराब हुई रखी है। ऐसा लग रहा था जैसे एक अलग दुनिया में हम आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचर ही है और बीच में हमारे शिव जी हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ गए हैं थोड़ी देर में हैं तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे आगे बढ़ गए हैं थोड़ी देर में हम पहुँच भी जाएंगे। और मेरे हस्बैंड का कहना था कि थोड़ा बहुत मेरा भी शूट कर दे, तो मैंने उनका भी वीडियो शूट कर दिया उनके बाइक के साथ और अब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अब मैं यहाँ की पूरी जानकारी आपको देना चाहती हूँ और सबसे पहले जानकारी ये है कि सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ पार्किंग की। तो यहाँ पर आपको पार्किंग चार्ज लगेंगे 4-व्हीलर का और 2-व्हीलर का दोनों का, बट पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आप अपना स्लीपर के लिए यहाँ पे बैग दिया जाता है, उस बैग में आप अपना स्लीपर रख दो और उसके बाद लौटते वक्त आप उस स्लीपर को वापस पहन लो। बट हमने यहाँ पे अपना स्लीपर उस बैग में नहीं रखा क्योंकि हमें पता है कि लौटते वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और रात हो जाएगी, इसलिए हमने अपना जो स्लीपर है आराम से अपने बाइक के नीचे रख लिया। और अब आप देख रहे हैं सामने हमारे आदि योगी जी दिख रहे हैं। तो अब सेकेंडली मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ एंट्री के बारे में। Hey guys, तो मैं पहुंच चुकी हूँ, आप देख सकते हैं फाइनली आदि योगी। और यहाँ का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा। नहीं आगे
इंस्टाग्राम नहीं। ओम नमः शिवाय। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि जो एंट्री है उसकी कोई फ़ी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ की एंट्री कोई प्राइसेस नहीं है। और अंदर आके यहाँ पे एक शिवलिंग की भी स्थापना हुई है, वहाँ पे आप जाके आराम से शांति से दर्शन करके और बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 24 आवर आप बोल सकते हो, मीन्स जितने देर खुली रहती है उतने देर तक यहाँ पर चैंटिंग होती रहती है शिव मंत्र की, शिव श्लोक की। तो वहाँ पर बैठ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तो इस वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। बट कोई नहीं, अब यहाँ पे आ ही गए हैं तो बारिश में भी भीग लेंगे, क्योंकि भोले बाबा के पास आए हैं और सावन आने वाला है तो बारिश तो आएगी आएगी। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे यहाँ से व्यू आ रही है हमारे शिव जी की। तो गैस मैं आपको एक चीज़ और अभी बताती हूँ थोड़ी देर के। क्यों नहीं कर रहे हैं, फोटो वीडियो कर रहे हैं ना। तो गैस बारिश होने लगी और हम लोग बहुत ज़्यादा बारिश में फंस चुके हैं। हटो। अच्छा हाँ, इधर है। दो लोग और हैं जो चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे, कोई बात नहीं, दे आर नॉट कम्फर्टेबल इन ब्लॉग्स। वो इसमें बोला जा रहा है कि चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पे होगी लाइट शो, 7 बजे शुरू होगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक मैं थोड़ी बहुत फोटोज रील वगैरह शूट कर लेती हूँ, और बैटरी भी खत्म होने वाली है, तो मैं मुझे लगता है मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी, बट जितना भी हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइज़ ये जो लाइट शो है वो शाम को 7 बजे शुरू होती है, इसी वजह से हम शाम के टाइम ही आए हैं, ताकि लाइट शो को भी कवर कर ले, वो भी देख ले, क्योंकि यहाँ का मेन जो है वो वही है लेज़र लाइट शो। आप देख सकते हैं कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि लाइट शो अभी होने वाला है, इस वजह से सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और बारिश हुई इसलिए सब लोग खड़े हैं, बट अभी थोड़ी ही देर के बाद लाइट शो शुरू होने वाली है। तो तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को इन्जॉय कीजिए और लाइट शो पूरा देखिएगा। मैं पूरा लाइट शो इसमें आपको जितना भी हो पाएगा मीन्स रिकॉर्ड कर पाऊँगी, मैं सारा लाइट शो आपको इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी, ताकि आप जब आएँ तो ज़रूर लाइट शो देखें। ये वीडियो देख के आपको लालच है लाइट से देखने का। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ी सी कुछ शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो ये रही शॉप्स, यहाँ पे मिल रही थी बहुत सारी आदि योगी की स्टैचू, और कुछ बर्तन भी मिल रहे थे, और रिंग्स वगैरह भी कॉपर के मिल रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए फूड कोर्ट में, और यहाँ का जो फूड कोर्ट था वो काफ़ी साफ सुथरा था और बहुत ही अच्छे रिजनेबल रेट में था। और उसी के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक शॉप, और जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, आप देख सकते हैं कॉम वगैरह में मिल रही है, सब कुछ ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छी मिल रही थी। और तो और यहाँ पे कपड़े भी मिल रहे थे, खादी के जो कपड़े होते हैं वो मिल रहे थे, वो भी रिजनेबल रेट में ही थे। बट हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि अब हमें लग रही है भूख, तो हम पेट पूजा करने के लिए आ गए हैं अंदर। और यहाँ पे मेनली साउथ इंडियन फूड ही आपको अवेलेबल मिलेगा, नॉर्थ इंडियन नहीं मिलेगा, ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। आपको चाइनीज़ का ऑप्शन मिलेगा, बट वो भी नेक्स्ट में एक, और इसके पहले ही आप जैसे एंट्री करोगे इससे पहले एक और है कैफेटेरिया, उसमें आपको चाइनीज़ अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं उसमें, और उसी में जाके हम देखते हैं कि क्या मिलेगा, और वहीं पे हम खा लेते हैं जो भी हमें मिलेगा। तो खाना खाने के बाद हम जल्दी से चले जाएँगे लाइट शो में, क्योंकि अभी बज चुके हैं लगभग 6:30। तो अभी हम यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, उसके बाद आप लोग एंजॉय कीजिएगा लाइट शो, और हम भी एंजॉय करेंगे लाइट शो, और लाइट से एंजॉय करने के बाद आपसे मिलते हैं।
रहा है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बज गए हैं रात के 8:30 और हमें यहाँ से काफी दूर जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।